नमस्ते दोस्तों, मैं दिलीप दौड़ा फिर से आपके सामने तीसरे मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। जी हाँ, ये आईपीओ है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड नामक कंपनी का, जो अपना आईपीओ 10 नवंबर को खोल के 12 नवंबर को बंद करने जा रही है। ये कंपनी मार्केट से 600 करोड़ रुपये जुटाएगी, जिसमें 474 करोड़ रुपये फ्रेश इक्विटी इश्यू और 126 करोड़ रुपये ऑफर फॉर सेल रहेगा। इस कंपनी ने अपने एक रुपये के शेयर के लिए 190 से 197 का प्राइस बैंड रखा हुआ है पर शेयर। मेरे हिसाब से ये जो प्राइस है वो शायद फुली प्राइस दिख रहा है, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि ये कंपनी ने अपने अपने कोई प्रति नज़दीकतम प्रतिस्पर्धी न होने के कारण जिस तरह से अपना स्थान बनाया है, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद ये कंपनी फर्स्ट मूवर की फैंसी के तौर से आगे चल के अच्छा प्रदर्शन करे। इस कंपनी ने हालांकि अपने लिस्टेड पेयर्स में हैप्पीएस्ट माइंड का नाम बताया है, जो कि 100% तुलनात्मक नहीं है। फिर भी जिस तरह से हैप्पीएस्ट माइंड ने लोगों को रिवॉर्ड दिया है, जिसका हमें इतिहास मालूम है, तो हो सकता है शायद इसी तरह का तो या तो इससे भी बेहतर रिवॉर्ड इस कंपनी के शेयर्स में मिलने की उम्मीद दिख रही है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि इस इश्यू में अगर आप निवेश करना चाहते हो तो मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए निवेश की योजना ज़रूर से बनाइएगा, लेकिन उसके पहले आपके वित्तीय सलाहकार से चर्चा विचारना ज़रूर से करिएगा और दूसरा ओपिनियन लीजिएगा। मेरी ओर से तो इसके लिए हाँ है कि आप इसमें आप मध्यम से लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं और अच्छा रिवॉर्ड भी पा सकते हैं। बाकी मेरा रिव्यू आप चित्तौड़गढ़ .com पे देख के बाकी सब साथ जानकारी ले सकते हो। आभार।